हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, और इसमें हम लोग समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे कह रहा था कि त्रिभुज है ए बी सी, तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया, जिसके मध्य बिंदु क्रमशः, तो ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ था। ठीक है, और तीनों को हमने मिलाया तो यहाँ से त्रिभुज डी ई एफ बना, और कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ का एरिया और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के एरिया में क्या अनुपात होगा, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसके तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में इस ए बी भुजा और ए सी भुजा का मध्य बिंदु डी और एफ है, तो इसमें हम लोग डी से एफ को अगर मिलाएंगे तो ये तीसरी भुजा बी सी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। लिख सकते हैं, जब ये पैरेलल होगी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी एफ इस बी ई के भी पैरेलल होगा, और यही डी एफ इस ई सी के भी पैरेलल होगा। तो या हम करके लिख सकते हैं कि डी एफ ही पैरेलल होगा बी ई के। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि अब दूसरी भुजा को ले लेते हैं, और वो भुजा ले लेते हैं ए बी और बी सी के लिए। ठीक है, तो लिख लेंगे भुजा ए बी तथा ए सी, ए बी तथा बी सी कर लेते हैं, ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु कौन कौन से थे, तो मध्य बिंदु डी तथा ई है। अतः अब हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे कि डी ई, अब भुजा डी ई पैरेलल होगी तीसरी भुजा ए सी के। ठीक है, ए बी ले चुके हैं, बी सी ले चुके हैं इस त्रिभुज में, तो बचा क्या ए सी, तो ये बचे हुए ए सी भुजा के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। या हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि त्रिभुज में ये डी ई भुजा इस ए सी के जब पैरेलल है तो हम लोग इसको क्या दिखा सकते हैं, ये एफ सी के भी पैरेलल होगा। तो लिख सकते हैं डी ई इज पैरेलल टू एफ सी। ठीक है, और जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं क्या कि अब तीसरी भुजा एफ ई, तो लिख लेंगे एफ ई वो पैरेलल होगा किसके, ए बी के, या लिख सकते हैं कि एफ ई ही पैरेलल होगा किसके, तो लिख सकते हैं डी बी के, और यही क्या होगा, इसके साथ साथ यही और पैरेलल होगा, एफ ई भुजा किसके पैरेलल हो जाएगा, डी बी के कर चुके हैं तो ये डी ए के हो जाएगा। चलिए, डी ई पैरेलल किए थे एफ सी के, तो डी ई पैरेलल था एफ सी के, और यही डी ई पैरेलल होगा ए एफ के भी, तो इसको भी लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू ए एफ, और यहाँ पे एक और छूट रहा था उसको भी कर लेते हैं, डी एफ पैरेलल किए थे किसके, बी ई के, और लिख सकते हैं कि यही डी एफ पैरेलल था किसके, ई सी के, तो लिख सकते हैं डी एफ इज पैरेलल टू ई सी। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये डी एफ इस बी ई के पैरेलल और डी बी इस एफ ई के पैरेलल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ से एक चतुर्भुज बन रहा है, तो लिख लेंगे चतुर्भुज डी बी ई एफ एक क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो डी बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हम लोग दिखाएंगे क्या कि डी बी इज पैरेलल टू ई एफ, और यहाँ से लिख सकते हैं डी बी पैरेलल था ई एफ के, और डी एफ पैरेलल है किसके, बी ई के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये चतुर्भुज है, तो
इसका DE क्या है, बन रहा है विकर्ण बन रहा है। और जानते हैं कि चतुर्भुज का विकर्ण उस चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांटता है। इसका मतलब यहाँ से दो त्रिभुज बनेंगे, DBE एक त्रिभुज बनेगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE ये बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा बनेगा तो लिख लेंगे DFE के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा, तो लिख सकते हैं त्रिभुज DBE, DBE का क्षेत्रफल इस दूसरे त्रिभुज DFE के, DFE के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग इसमें देखेंगे कि DFCE, अब इसी प्रकार हम लोग लिखते थे, इसी प्रकार कौन सा चतुर्भुज बनेगा तो लिख लेंगे चतुर्भुज DFCE एक कौन सा चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है इसलिए। अब बताइए तो इसका भुजा कौन है DF, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जब समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब FE इसका क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण है इसका मतलब इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगा। इसका मतलब चतुर्भुज में ये इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल DFE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल FCE के। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा आपस में बराबर हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दिखा ले रहे हैं क्या कि पहले का बराबर हो गया दूसरे का एरिया, पहले का एरिया दूसरे के एरिया का बराबर हो गया, बस समझने के लिए, ये पहले का एरिया ये दूसरे का एरिया है। अब इसको अगर दर्शाना होगा तो लिख सकते हैं क्या एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड ट्रेंगल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये दो चीज़ें हमने लिख लिया, एक और चतुर्भुज यहाँ बनेगा और उसका नाम बनेगा ADE और F। तो लिखेंगे चतुर्भुज ADEF भी क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज है, और जब समांतर चतुर्भुज है तो जिसमें DF क्या है, विकर्ण है, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटेगा। तो हम लोग नामकरण कर चुके हैं, तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं 4। ठीक है, इस चतुर्भुज में इसका हम लोग नाम दे देते हैं 4। इसका मतलब त्रिभुज DEF का ही क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ADF के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इसको दर्शा लेंगे कि दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इसमें चौथे त्रिभुज के क्षेत्रफल के। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक बराबर है दो के, दो बराबर है तीन के, और चार बराबर है दो के। इसका मतलब ये चारों त्रिभुज आपस में इनके क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, अब बारी बारी से लिखते जा रहे हैं, ADF का एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल किसके, तो चौथे को कर लिया, अब हम लोग किसको ले रहे हैं, दूसरे को ले रहे हैं। तो लिख सकते हैं त्रिभुज DEF का एरिया क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और इसको बराबर कर देते हैं तीसरे के लिए, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल FCE के, और ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE के। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग देखेंगे कि अगर सभी चतुर्भुजों के, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर आपस में जोड़ दें तो ये पूरा एरिया हम लोग को निकलेगा, और वो पूरा एरिया किसके बराबर होगा, तो ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण एक के सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सभी मानों को
मानों को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो लिख सकते हैं इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं तो चूंकि सभी आपस में बराबर हैं, और ये कितने का बराबर हो जाएंगे, तो चार गुना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको बताना था डी ई एफ के लिए, तो इसका मतलब ये हम लोग दिखा सकते हैं कि डी ई एफ का जो एरिया होगा वो सभी के एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं, इसके जगह पे भी इतना लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसके जगह पे लिख लिया, इसके जगह पे भी वही लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनको जोड़ दिया। अब इसके जगह पे लिखवाना है तो ये इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, और इसके जगह पे लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये सबको अगर जोड़ देंगे, सबको हमने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, सबको हम लोग जोड़ेंगे तो ये बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा वाला क्या है ए बी सी, तो ये ए बी सी के बराबर होगा। अब इन सबको जोड़ दें तो ये कितने के बराबर होंगे, ठीक है, तो इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा चार एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये चार गुना है किसके, इस त्रिभुज ए बी सी के, और ये क्या कितना है, एक गुना। इसका मतलब इनका हमको क्या बताना था, अनुपात बताना था। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको लेते हैं ये इधर, तो इधर क्या बचा बचेगा, कुछ नहीं है, तो इंटू वन कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ का एरिया अपॉन, ये अगर नीचे आएगा तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बराबर होगा कितने के, तो ऊपर एक है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये जब नीचे आया है तो इसको क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एक, और ये आ जाएगा नीचे, तो एक बटे में चार। इसका मतलब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो अनुपात बराबर होगा कितने के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को भी ले लीजिए, इनका रेशियो बराबर होगा 1:4। इसका मतलब इनमें एक संबंध है, चार का क्या होगा, अनुपात होगा, और यही हम खुद से पूछ रहा था कि इनके बीच कितने का अनुपात होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी दिखा सकते थे कि इनके बीच एक संबंध चार का अनुपात होगा, या फिर हम लोग यहाँ से भी दिखा सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जब अनुपात निकालेंगे तो वो कितने का बराबर होगा, एक संबंध है चार के बराबर होगा, और ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।